सिंधिया को बीजेपी से किया जा रहा है दरकिनार। भाजपा नेताओं के आगे झुके महाराज सिंधिया, सोशल मीडिया के जरिए हो रहे फजीहत। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस सिंधिया पर चुटकी ले रही है, तो वहीं आम सोशल मीडिया यूजर्स भी कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही यह तस्वीर दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक की है। इस फोटो में ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह से झुककर बात कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो हमेशा राहुल गांधी के साथ रहते थे, जबकि बीजेपी में जाने के बाद उन्हें उस तरह की इज्जत नहीं मिल रही है। कांग्रेस नेता संदीप सिंह ने एक पोस्ट के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर चुटकी ली है। कांग्रेस नेता ने अपने ट्विटर अकाउंट से दो तस्वीरें शेयर की हैं। एक फोटो में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में सिंधिया अमित शाह से झुककर बात करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ कांग्रेस नेता ने लिखा, दो तस्वीर वक्त वक्त की बात है। वहीं आगे अमर राणा नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की औकात बीजेपी में सिर्फ हाथ जोड़कर चाय पानी पूछने जितनी है, इसने अपने बाप का नाम डुबो दिया। आगे अनमोल पटना नाम के एक यूजर लिखता है कि राजा की क्या हालत हो गया है बीजेपी में। वहीं अनुराग मिश्रा नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, पार्टी बदलते ही कमर झुक गई। जानकारी के लिए बता दें, यह पहली बार नहीं है बल्कि इससे पहले भी कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्रोल हो चुके हैं। हाल में ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक और वीडियो चर्चा में आया था। दरअसल अमित शाह सिंधिया घराने के महल जयविलास पैलेस पहुंचे थे। इस दौरान अमित शाह कुछ लिख रहे थे, सिंधिया और उनके बेटे हाथ बांधे खड़े हुए थे, जिसको लेकर कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को खूब ट्रोल किया था।